शिक्षार्थियों का स्वागत है। इस सत्र में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सोमू सिंह, आपका स्वागत है। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में सहायक आचार्य हैं और इस विषय के जाने माने विद्वान हैं। आपने बहुत काम किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय शिक्षा नीतियों पर और प्राचीन भारतीय शिक्षा पर, यानी एक निरंतरता रही है आपके अध्ययन अध्यापन में भारतीय शिक्षा को लेके। तो एक बार फिर से डॉक्टर सोमू सिंह जी का स्वागत करते हुए मैं आग्रह करता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हमारे प्रशिक्षुओं को कुछ बताएं कि यह नीति क्या थी और प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में इस नीति का क्या योगदान रहा है। भारत सरकार ने अगस्त 1985 में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी परस्पेक्टिव नाम से, और इस डॉक्यूमेंट को उन्होंने पूरे देश के विभिन्न वर्गों के समक्ष, इसमें बौद्धिक वर्ग, सामाजिक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग, उनकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त की और उन प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करके जारी किया। अच्छा, मतलब यह ऐसा कार्य था यह जिसके लिए कोई आयोग नहीं बना। हाँ, अब तक अपने यहाँ की परंपरा ये रही है कि आयोग होते थे, उनकी अनुशंसाएं आती थी, उस पर आधारित फिर नीति बनती थी, जैसे कोठारी आयोग के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1969 बनी थी। जी, तो ये ऐसी शिक्षा नीति थी जिसके पीछे कोई आयोग नहीं था, गवर्नमेंट का ही एक डॉक्यूमेंट था, उस पर विचार विमर्श हुआ देशव्यापी, उसके बाद ये आया। इस नई शिक्षा नीति में कुल 12 खंड थे और 12 खंडों में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के बारे में सारे प्रस्ताव या सुझाव प्रस्तुत किए। पहला खंड इसमें प्रस्तावना, दूसरा शिक्षा का सार तथा भूमिका, तीसरे खंड में इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था कैसी हो इसका जिक्र है, चौथे खंड में समानता के लिए शिक्षा, कैसे शिक्षा से असमानता दूर की जाए, इस पर सुझाव हैं, पांचवें खंड में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन कैसे हो इस बारे में सुझाव हैं, छठवें खंड में तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के बारे में बात है जी, और सातवां खंड शिक्षा व्यवस्था को कैसे कारगर बनाया जाए, आठवें खंड में शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया को कैसे नया मोड़ दिया जाए, यानी कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम को लेकर के भी चिंता जाहिर की गई है, नवें खंड में शिक्षकों की स्थिति और उनकी सेवा शर्तों के बारे में सुझाव हैं, दसवें खंड में शिक्षा का प्रबंध कैसे हो इस बारे में प्रस्ताव हैं, ग्यारहवें खंड में शिक्षा के संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे और उनकी समीक्षा कैसे हो इस बारे में चर्चा है, और बारहवां जो अंतिम खंड है भविष्य को लेकर के एक उनका अनुमान कि भविष्य में किस तरह की चुनौतियां आएंगी, उसकी तैयारी कैसे हो इस बारे में चर्चा है। शिक्षार्थियों के समक्ष पहले तो यह स्पष्ट कर दूं कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की उपलब्धियाँ स्वयं में महत्वपूर्ण थीं जी, किंतु यह भी सच है कि 1968 की शिक्षा नीति के अधिकांश सुझाव कार्य रूप में परिणित नहीं हो सके जी जी, क्योंकि क्रियान्वयन की पक्की योजनाएं नहीं बन सकी, ना स्पष्ट दायित्व निर्धारित किए गए और ना ही वित्तीय एवं संगठन संबंधी व्यवस्थाएं हो सकी, और परिणाम स्वरूप अनेक वर्गों तक जो शिक्षा पहुँचाने का लक्ष्य था या उसका स्तर सुधारने का जो लक्ष्य था और उसके विस्तार का भी जो कार्य था वो नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये एक बैकग्राउंड में चिंता थी और जो हमारे संविधान ने जो लक्ष्य तय किए थे उन लक्ष्यों की प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही थीं वो गांव और शहर के फर्क को कम करने की भी चिंता थी भारत सरकार की, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विविध और व्यापक साधन उपलब्ध कराने को लेकर, आने वाली पीढ़ियों में कैसे मानवीय मूल्य और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता हो कैसे प्रतिष्ठित किया जाए, इन सारी चुनौतियों और नवीन सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 में तैयार किया। ये तो इसका प्रस्तावना जी जी, जिसमें भारत सरकार ने अपनी बात रखी। दूसरा जो इसका खंड शिक्षा का सार तथा भूमिका, इसमें इन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा सबके लिए हो, ये मुख्य बिंदु उसमें है, और शिक्षा संस्कृति बनाने का माध्यम है, शिक्षा राष्ट्रीय एकता
एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक हो। शिक्षा समझ एवं चिंतन को स्वतंत्रता प्रदान करें, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। शिक्षा हो, ये शिक्षा के सार के बारे में उन्होंने कहा। शिक्षा अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए मानव शक्ति को विकसित करे, और शिक्षा वर्तमान एवं भविष्य के निर्माण का मुख्य साधन हो। ये शिक्षा के सार और भूमिका में उन्होंने ये मुख्य बातें उसमें रखी बताई। तीसरा जो खंड है राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का, जो कि हमारे प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि एक निश्चित स्तर तक प्रत्येक बच्चे को बिना किसी जाति, धर्म, स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी शिक्षा उपलब्ध हो। इस हेतु सरकार उपयुक्त रूप से वित्त पोषित कार्यक्रमों को प्रारंभ करेगी। मतलब ये सरकार औपचारिक रूप से प्रयास करेगी कि बिना भेदभाव के सबको शिक्षा मिले। और इन्होंने सन 1968 की जो शिक्षा नीति थी उसमें जो एक अनुशंसा थी सामान्य स्कूल प्रणाली को क्रियान्वित करने की, उसको भी इन्होंने स्वीकार किया, उसको भी आगे बढ़ा करके कहा कि उसको क्रियान्वित करने के दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे कॉमन स्कूल सिस्टम। मतलब ये पड़ोसी विद्यालयों की जो संकल्पना है जी, समान स्कूल प्रणाली और पड़ोसी विद्यालयों की जो संकल्पना है जी, उसके बारे उसको यहाँ भी स्वीकार किया गया, जो करते हुए आगे बढ़ाया जाए। और इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत यह जरूरी है कि पूरे देश में शिक्षा की जो संरचना है एक ही प्रकार की हो, 10+2+3 जो कि पहले से अनुशंसा आई थी उसी में इन्होंने पहले 10 वर्षों का जो विभाजन था उसको स्पष्ट कर दिया कि जो प्रारंभिक शिक्षा का प्राथमिक स्तर है वो 3 वर्ष का होगा, उच्च प्राथमिक स्तर 3 वर्ष का होगा और उसके बाद का हाई स्कूल 2 वर्ष का होगा। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में प्राथमिक स्तर 5 वर्ष का, उच्च प्राथमिक स्तर 3 वर्ष का और हाई स्कूल उसके बाद 2 वर्ष का होगा। इसको इन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से इसमें उल्लेख कर दिया। 10+2+3 की पद्धति जिसे हम लोग कहते रहे, जो आज 10+2+3 आज भी हमारे जो आज भी प्रचलन में है जी। और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिए इन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे पर आधारित होगी और उस पाठ्यक्रम का एक अंग अनिवार्य होगा और शेष जो अंग हैं वो लोचनीय हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, वो स्थानीय विशेषताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप ध्यान में रख के इतना लचीला वो होगा कि उनको स्थानीय विशेषताओं को सम्मिलित किया जा सके। और शिक्षा व्यवस्था का यह प्रयास होगा कि नई पीढ़ी में विश्वव्यापी दृष्टिकोण सुदृढ़ हो तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना बढ़े। शिक्षा व्यवस्था का यह उद्देश्य है कि सामाजिक माहौल तथा जन्म के संयोग से उत्पन्न पूर्वाग्रहों और कुंठाओं को समाप्त किया जा सके। बिल्कुल। और प्रत्येक चरण पर दी जाने वाली शिक्षा का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए। ये भी इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। अब एक बार फिर से इस चर्चा को एनसीईआरटी आगे बढ़ा रहा है। जो लर्निंग आउटकम की बात आज भी करने लगे हैं उसी के केंद्र में। और देश में संपर्क भाषा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। ये संपर्क भाषा कौन सी थी जिसको बढ़ाने का प्रयास किया जाना था? संपर्क भाषा में जो हमारी राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने की बात है, जिससे कि जो हमारा दैनिक जीवन का कार्य व्यवहार है, किन्हीं कारणों से हम एक देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं, तो एक भाषा ऐसी रहे जिससे संपर्क हमारा निर्बाध रूप से चलता रहे, हम भारतीयों के बीच चलता रहे, उसको बढ़ावा देने की बात उसमें थी। शोध विकास तथा विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के विषयों में देश की विभिन्न संस्थाओं के बीच व्यापक ताना-बाना नेटवर्क स्थापित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिससे वे अपने अपने साधन सम्मिलित कर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में भाग ले सकें। बिल्कुल। संस्थाएं अलग अलग होकर के सेग्रीगेट होकर के काम ना करें, बल्कि सम्मिलित प्रयास ऐसा करें कि जो राष्ट्रीय हमारा लक्ष्य है शिक्षा का, उसकी प्राप्ति में सहायक बने। और समूचे राष्ट्र का उत्तरदायित्व तो होगा कि वो साधन जुटाए शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए, असमानताओं को कम करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए, प्रौढ़ साक्षरता के लिए और इस प्रकार के अन्य जो भी लक्ष्य हैं उनका साधन जो जुटाने का दायित्व तो है समूचे राष्ट्र का होगा। ये सरकार ने इस बात का संकल्प लिया। इसके बाद इन्होंने एक और महत्वपूर्ण सुझाव इसमें
खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंग होंगे और इसको और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके दायरे में हमारे युवा वर्ग, गृहिणियाँ, किसान, मजदूर, व्यापारी भी आ सकें, कार्यरत लोग भी इससे जुड़ करके शिक्षा को आगे बढ़ा सकें, ये भी इसमें महत्वपूर्ण सुझाव था। जो भी शैक्षिक प्रशासन की या शैक्षणिक संस्थाएं थीं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, इनको राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए मजबूत बनाया जाएगा। और ये संस्थाएं एनसीईआरटी और न्यूपा के साथ मिलकर शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सहभागिता करेंगी और सहयोग प्रदान करेंगी। जी जी, ये भी एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण उसमें सिफारिश थी। तीसरा खंड जिस जो है वो समानता के लिए शिक्षा से संबंधित है। इसमें इन्होंने किस तरह शिक्षा में असमानता को दूर किया जाए, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाए जाए, उस परिवर्तन हेतु कैसे शिक्षा को उपयोग किया जाए, इस पर बल दिया। इन्होंने मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों के विकास में जो मुख्य बातें हैं कि उनको अन्य जातियों के समान लाना है, ये चर्चा है। इसके लिए प्रोत्साहन, पूर्व मैट्रिक छात्र योजना, लगातार सूक्ष्म योजना, अनुसूचित जाति के शिक्षकों की नियुक्ति तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्कूलों, बालवाड़ियों तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये इन्होंने इस बात को हाईलाइट किया। और इसी प्रकार इन्होंने अनुसूचित जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में भी प्राथमिक स्कूल खोलने को प्राथमिकता देने की बात कही और पाठ्यक्रम व जनजातीय भाषाओं में अनुदेशन सामग्री विकसित करने की भी इन्होंने बात उसमें कही। आवासीय स्कूल खोले जाएंगे, प्रोत्साहन योजना बनाने जैसे उपायों को शीघ्र लागू किया जाएगा जिससे कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए सभी लोगों को उपयुक्त प्रोत्साहन मिल सके। अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर भी विशेष बल देने की बात इसमें की गई कही गई है। एक और महत्वपूर्ण समुदाय है हमारा शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से विकलांग लोग, उनके लिए भी इन्होंने कहा कि विशेष स्कूल खोले जाएंगे। तब की शब्दावली में हाँ, उस समय विकलांग लोग हाँ, उसके आज उस समय आज हम जिन्हें दिव्यांग कहते हैं, इसीलिए हम उसको उसी रूप में आज हम उनको दिव्यांग के रूप में संबोधित कर रहे हैं औपचारिक रूप से। और उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी और उनका अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम इस तरह से पुनर्गठित किया जाएगा कि वो इन समस्याओं से जो विकलांग बच्चे हैं उनकी समस्याओं से आसानी से निपट सकें। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उसमें सुझाव था। पांचवा खंड जो इसका है कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन किस प्रकार हो, इससे संबंधित था। तो इन्होंने इसमें पूर्व बाल्यकाल परिचय तथा शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देने की बात कही और इसे यथासंभव एकीकृत बाल सेवा कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा, इस बात को इन्होंने इसमें हाईलाइट किया। प्रारंभिक शिक्षा में दो बातें, पहली तो यह कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के सार्वभौमिक एक्सेस की बात, दूसरी शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर देने के लिए इन्होंने ये इसमें जोड़ा। प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की समस्याओं का समाधान करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाया जाएगा जिससे जो ऐसे क्षेत्र हैं जो वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा की पहुंच से दूर हैं वो भी उससे जुड़ सकें। एक महत्वपूर्ण सिफारिश जिसे आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जानते हैं, इसी शिक्षा नीति में कहा गया कि विशिष्ट योग्यता या अभिवृत्ति वाले बच्चों के लिए गति निर्धारक स्कूल देश के विभिन्न हिस्सों में खोले जाएंगे। लेकिन ये जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको विशेष ध्यान में रखा गया है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। ये एक महत्वपूर्ण सुझाव था जो अमल में भी आया और उसका परिणाम हम देख रहे हैं, उसने काफी सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका अदा की। लेकिन महज 4 साल बाद ही जी आचार्य राममूर्ति आयोग जब बना तो उन्होंने मना कर दिया कि जी जी हमें नवोदय विद्यालय नहीं बनाने चाहिए क्योंकि जब हम समान विद्यालय की बात कर रहे हैं हाँ, तो एक तरफ तो आप नए तरह का विद्यालय क्यों खड़ा कर रहे हैं जी। और तत्कालीन कुछ राज्यों ने नवोदय विद्यालय नहीं बनाए नहीं बनाए नहीं बनाए जी जी लेकिन वह एक
अच्छा प्रयास था जिसने कि ग्रामीण बच्चों को एक अवसर मिला, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिला। बिल्कुल बिल्कुल। व्यवसायीकरण शिक्षा के व्यवस्थित योजनाबद्ध तथा दृढ़ता से लागू कार्यक्रम प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन के लिए आवश्यक है, ऐसा भारत सरकार ने माना। जी। नौ साक्षरों, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त युवकों, स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों, कार्यरत व्यक्तियों तथा बेरोजगार व्यक्तियों को व्यावसायिक शिक्षा के अनौपचारिक कार्यक्रम भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ये बात इसमें मुख्य रूप से कही गई। जी। एक और इसमें चर्चा हम कर लेते हैं उच्च शिक्षा की, कि उच्च शिक्षा के बारे में क्या कहा गया। तो इन्होंने कहा कि वर्तमान उच्च शिक्षा संस्थाओं की एकीकरण तथा सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जाएगा और विश्वविद्यालयों में स्वायत्त विभागों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पाठ्यक्रमों को, कार्यक्रमों को पुनः रचित करना होगा और भाषाई योग्यता पर विशेष बल दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा, ये भी इन्होंने कहा। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, जो कि मुख्य बिंदु है, विकास के पक्ष से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, अनुसंधान को अधिक सहायता दी जाएगी और उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे। और उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को जनतांत्रिक करने के साधन के रूप में खुला विश्वविद्यालय प्रणाली आरंभ की गई। और इन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय जो है उसको और सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे कि वो मुक्त शिक्षा को और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से प्रदान कर सके। तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा के बारे में भी शिक्षा नीति में चर्चा की गई कि तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा के पुनर्गठन में 20वीं शताब्दी के अंत तक की जो अनुमानित परिस्थितियां, विशेषकर अर्थव्यवस्था, सामाजिक वातावरण, उत्पादन व प्रबंध प्रक्रियाओं में होने वाले संभावित परिवर्तन, ज्ञान की तीव्र गति से बढ़ोतरी तथा विज्ञान व तकनीकी की उन्नति को ध्यान में रखना होगा। और कंप्यूटर पर फोकस था, कंप्यूटर को प्रारंभिक ज्ञान तथा उनके उपयोग का प्रशिक्षण प्रोफेशनल शिक्षा का अंग होगा। कहीं ना कहीं कंप्यूटर उस दौर में आ चुका था, मानव जीवन के विविध पक्षों को प्रभावित कर रहा था, अपने देश में नहीं बाहर। तो ये कहा गया कि इसके भी प्रारंभिक ज्ञान को ये शिक्षा का अंग बनाना होगा। महिलाओं, आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग तथा विकलांगों के लाभ के लिए तकनीकी शिक्षा के उपयुक्त कार्यक्रम बनाए जाएंगे। और चूँकि तकनीकी व प्रबंध शिक्षा अधिक व्यय साध्य है, महंगी है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए लागत प्रभावशीलता के लिए तथा श्रेष्ठता बढ़ाने के लिए उपाय खोजने होंगे, उस हेतु प्रयास किए जाएंगे, ये चर्चा भी उसमें थी। शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन को लेकर के उन्होंने कहा कि आवश्यक है सर्वोच्च बौद्धिकता लक्ष्य की गंभीरता तथा नवाचार व सृजनशीलता के लिए आवश्यक स्वतंत्रता के वातावरण में शिक्षा का प्रबंध करने की आवश्यकता है। नवाचार और सृजनशीलता पर इस में ज्यादा जोर था, ज्यादा जोर पूरे इस पर। जी, जी। और चूंकि कई संस्कृतियां हैं, उस पे हम चूंकि प्रारंभिक शिक्षा पर फोकस करके उसको आठवें खंड में शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया का अभिनवीकरण किस प्रकार हो, इस संबंध में चर्चा है। चूंकि प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े लोग ये स्पष्ट समझ पाएंगे कि पाठ्यक्रम में किन बातों को लाने की इन्होंने सिफारिश की। शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक पाठ्यवस्तु से सुदृढ़ किया जाएगा। सांस्कृतिक पक्ष के समावेश की बात इसमें कही गई पाठ्यक्रम में और कार्यक्रमों में। पुस्तकों तक सभी वर्गों के छात्रों की पहुंच आसानी से हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। पुस्तकों की गुणवत्ता सुधारने, अध्ययन आदतों को बढ़ाने तथा रचनात्मक लेख लेखन को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जाएंगे, जैसे कि अच्छे पुस्तकों का लेखन हो, अच्छे लेख आए, ऐसा माहौल बनाया जाएगा, इसकी इसमें चर्चा की गई। हिंसा, अलगाववाद आदि को बढ़ावा देने वाली तथा घातक प्रभाव वाली प्रवृत्तियों पर फिल्मों, वीडियो, टेलीविज़न व अन्य जनसंचार साधनों में अंकुश लगाया जाएगा। विज्ञान शिक्षा को इस तरह से मजबूत करना होगा कि वह बालक बालकों में, बच्चों में जिज्ञासा, सृजनशीलता और वस्तुनिष्ठता जैसी योग्यताओं और मूल्यों को विकसित करें। निश्चित रूप से ये विज्ञान शिक्षा इस काम को बखूबी कर भी रही है, हम देखते हैं दिन प्रतिदिन के अपने उदाहरणों में। खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा
पर भी महत्व दिया बल दिया गया और कहा गया कि इसको भी अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया जाएगा, इनको भी मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए। अगर किसी में खेलकूद में किसी पर्टिकुलर विशिष्ट योग्यता है तो उसको भी उसको मूल्यांकन के दायरे में लाना होगा। युवकों को शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय तथा सामाजिक विकास के कार्य में सम्मिलित होने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। बच्चों को NCC, NSS राष्ट्रीय सेवा योजना जैसी योजनाओं में से किसी एक में भाग लेना हो, जिससे उन्हें अवसर मिल सके कि सामाजिक जिम्मेदारी क्या है हमारी ये सीखने का, राष्ट्रीय कार्य क्या है उससे जुड़ने का। एक और इनकी महत्वपूर्ण बात इसमें है कि इन्होंने सतत व व्यापक मूल्यांकन लागू करने की बात कही, संयोग व विषय निष्ठता की अत्यधिकता को समाप्त करने के लिए जोर दिया, परीक्षा संचालन में भी सुधार करने की बात कही और माध्यमिक स्तर से इन्होंने सत्र प्रणाली शुरू करने की बात कही और अंकों के स्थान पर ग्रेड को लाया जाए। जी, ये भी इन्होंने बहुत प्रमुखता से इस बात पर बल दिया कि उसके लिए उपाय करने होंगे। नौवें खंड में अध्यापक से संबंधित संस्तुतियां प्रस्ताव हैं। इन्होंने कहा कि अध्यापक चयन की जो विधियां हैं उनको पुनर्गठित करना होगा, अध्यापकों का वेतन, उनकी सेवा शर्तें, उनके सामाजिक तथा प्रोफेशनल उत्तरदायित्व के रूप इस प्रोफेशन में प्रतिभाओं को आकर्षित करने योग्य होने चाहिए, संपूर्ण राष्ट्र में एक समान वेतन तथा सेवा शर्तें होना चाहिए, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। हाँ, प्रयास किए जाएंगे, ये वादा था, वादा था उनका, वादा ऐसा किया जाए तो निश्चित रूप से अच्छे लोग, प्रतिभाशाली लोग आएंगे अध्यापन की तरफ से जुड़ेंगे जुड़ेंगे। एक और उन्होंने बात कही थी उसमें कि प्रोफेशनल ईमानदारी और अध्यापक मर्यादा को बढ़ाने के लिए और प्रोफेशनल कदाचार को रोकने में सहायक अध्यापक संघों को सार्थक भूमिका अदा करनी चाहिए। उनसे एक्सपेक्ट किया था कि वो संघ आगे आए इस चीज़ को सही करने के लिए। प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों तथा अनौपचारिक शिक्षा में कार्यरत व्यक्तियों के लिए पूर्व सेवा एवं सेवारत पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश इसमें थी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की, डाइट जिसे डाइट के नाम से जो बहुत प्रचलित है, अभी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी। हाँ। सेवारत और पूर्व सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में ये भी सिफारिश इसी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में आई। दसवें खंड में जो शिक्षा का प्रबंध कैसे हो इसके बारे में चर्चा की गई। शिक्षा की योजना एवं प्रबंध प्रणाली में परिवर्तन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, दीर्घकालीन योजना बनाने, विकेंद्रीकरण व शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता की भावना का निर्माण, योजना व प्रबंध में महिलाओं की सहभागिता, उद्देश्यों व मानकों के संबंध में उत्तरदायित्व इस परिवर्तन के निर्देशक बिंदु होंगे, जिससे कि शिक्षा का प्रबंध बेहतर तरीके से हो सके, उसमें सहभागिता भी महिलाओं की भी आ सके। शिक्षा की उचित प्रबंध संरचना में अखिल भारतीय सेवा के ढंग पर की तर्ज पर भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना को सम्मिलित करना होगा, ये भी एक सुझाव था जो अभी भी आज भी जिस पर काम अभी जारी है अभी भी काम जारी है और कहीं ना कहीं देश के किसी हिस्से से मांग उठती है। हाँ। कि इसको लागू किया जाए। शिक्षा नियोजकों, प्रशासकों तथा संस्थाओं के प्रधानों को प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्य को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, गैर सरकारी एवं व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके साथ साथ शिक्षा का व्यापार करने के लिए खोली जाने वाली संस्थाओं की स्थापना को रोकने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। अच्छा। ये भी चर्चा इसमें की गई कि ऐसे लोग ना आए जो शिक्षा को व्यापार के रूप में लें और जो मूल मकसद है शिक्षा का उससे हम कहीं इतर हो जाएं, भटक जाएं। संसाधन और समीक्षा की चर्चा 11वें खंड में की गई। दान, उपहार, शुल्क आदि की सहायता से संसाधनों को अधिकतम संभव बढ़ाया जाएगा, अनुसंधान तथा तकनीकी व वैज्ञानिक जनशक्ति के विकास में लगी हुई संस्थाएं अपने उपभोक्ता के प्रतिष्ठानों पर कर लगाकर संसाधन जुटा सकती हैं। उन्होंने एक सुझाव दिया कि ऐसा अगर किया जाएगा तो संसाधन की समस्या नहीं आएगी और शिक्षा को राष्ट्रीय विकास एवं संघर्ष के लिए
निवेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाएगा। बिल्कुल सही। शिक्षा में भी इन्वेस्टमेंट किया जाए, इन्होंने इस बात को हाईलाइट किया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न प्राविधानों के क्रियान्वयन की प्रत्येक 5 वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी, ये भी इन्होंने इस बात को उसमें जोड़ा था समीक्षा में। शिक्षा का भावी स्वरूप क्या होगा, इन्होंने इसमें एक चिंता अपनी जाहिर की थी कि मुख्य कार्य शिक्षा प्रणाली के निचले स्तर को सुदृढ़ करना है, जिससे जिसमें शताब्दी के अंत तक लगभग 1 अरब लोग शामिल होंगे। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा प्रणाली की सबसे ऊपरी स्तर के लोग विश्व के श्रेष्ठ व्यक्तियों में शामिल हों। ये अभी हमने चर्चा की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो नई शिक्षा नीति के नाम से भी जानी जाती है, उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु थे जिन पर प्रारंभिक शिक्षा से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए संबंधित। लेकिन इसका जब 1986 की शिक्षा नीति आई तो उसके बाद 2 बार इसे संशोधित परिमार्जित होने का मौका मिला जी। वो विभिन्न कारणों से यह अवसर मिला होगा, लेकिन वर्ष 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में जो आयोग बना था उसने प्रबुद्ध समाज की ओर इस शीर्षक से अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और 1992 में फिर जनार्दन रेड्डी कमेटी की एक रिपोर्ट है जिसे हम लोग POA 1992 के नाम से जानते हैं। क्योंकि 1986 की शिक्षा नीति में के 3 दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं। एक तो शिक्षा की चुनौतियां जिस पर चर्चा हुई, उसके बाद राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद जो एक दस्तावेज बना वो नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और तीसरा जिसे क्रियान्वयन योजना कहा गया, POA कहा गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986। तो यह जो क्रियान्वयन योजना है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1992 की, सुमु जी यदि आप उसके बारे में हमारे शिक्षार्थियों को कुछ बताते तो उनके ज्ञान में इजाफा होता। तो 1992 के संशोधित शिक्षा नीति के संदर्भ में हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में के कुछ खंडों में कुछ संशोधन किए गए, कुछ परिमार्जन किए गए। उनमें से जो परिमार्जन हमारे प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, सीधे संबंधित हैं, अप्रत्यक्ष रूप संबंधित हैं, उनको एक बार मैं रखना चाहूँगा। उसमें ये संशोधन किया गया कि संपूर्ण भारतवर्ष में शैक्षिक संरचना को पूर्ण रूपेण समान करने की दृष्टि से +2 स्तर को स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार किया जाए। क्योंकि पहले ये विकल्प था कि +2 या तो कॉलेज में भी हो सकता है या स्कूल में भी हो सकता है, कॉलेज में भी हो सकता है, विश्वविद्यालय का भी हिस्सा हो सकता है। और तो ये इन्होंने स्पष्ट कहा कि इसको स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार किया जाए। बिल्कुल। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, लघु परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से जोड़ने की बात इसमें कही गई। जी। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को अधिक व्यापक करके प्रत्येक स्कूल में 3 बड़े कमरे और 3 अध्यापक उपलब्ध कराए जाएं। इन्होंने न्यूनतम कहा कि इतना हमको कराना है, मतलब कक्षाएं 5 हो लेकिन 3 कमरे जरूर हो, 3 अध्यापक जरूर हो। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को और प्रभावी ढंग से इन्होंने आगे बढ़ाया। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ी कि भविष्य में नियुक्त होने वाले 50% अध्यापक महिलाएं होंगी, लगभग 30 वर्षों बाद, जिस पर कई राज्य अब अमल कर रहे हैं। हाँ, ये बात उसी समय आई। और ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तृत किया जाएगा। शाला त्यागी बच्चे, स्कूल रहित क्षेत्रों के बच्चों तथा दिवा स्कूल जाने में असमर्थ कामकाजी बच्चों तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम को मजबूत एवं विस्तृत किया जाएगा। ये भी इसमें चर्चा थी। 21वीं शताब्दी में प्रवेश से पूर्व 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता वाली निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात इसमें कही गई। कंप्यूटर साक्षरता पर जोर था और मूल्यांकन आयोग गठित करने की इसमें बात थी। बहुत अधिक ऐसे संशोधन परिमार्जन इसमें परिलक्षित नहीं हुए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रस्ताव थे, सुझाव थे, उन्हीं को इन्होंने आगे बढ़ाया। और उन्होंने कहा कि उन्हीं को हमें मजबूती के साथ, प्रभावशाली तरीके के साथ उसको क्रियान्वित करना है, उसको हासिल करना है। और
कई चर्चा हो चुकी है संशोधनों पर, ये हमारी चर्चा के दौरान ये बिंदु आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोमू जी। 1986 की शिक्षा नीति और उसके संशोधित रूप 1992 के बारे में आपने विस्तार से हमारे शिक्षार्थियों को बताया। 1992 की नीति या 1986 की शिक्षा नीति का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा होगा, तो मैं आग्रह करता हूँ अपने शिक्षार्थियों से कि आप सब किसी न किसी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, और आपका विद्यालय हो सकता है कि इतना पुराना हो कि उसकी स्थापना 1986 के पहले हुई हो। यदि आपके ऐसे विद्यालय में काम करते हैं या यदि ऐसा कोई विद्यालय आपके आसपास हो, तो आपसे आग्रह है कि जाकर पता करें कि इस स्कूल में 1986 के बाद 1986 की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा और स्कूल में किस तरह के परिवर्तन आए। मुझे लगता है कि इन शिक्षा नीतियों को समझने के लिए और उनके प्रभाव को जानने के लिए हमें इस तरह के प्रयास करने चाहिए और इस तरह की सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए। तो आपसे आग्रह है कि आप अपने आसपास के स्कूलों में जाएं और इस तरह की सूचनाएं एकत्रित करें, तब हम शायद जान पाएंगे कि हमारी शिक्षा नीतियां किस तरह से प्रभावित करती हैं हमारे इन शैक्षिक संस्थाओं को। हो सकता है कि किसी स्कूल का कमरा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के कारण बढ़ गया हो। बिल्कुल, निश्चित रूप से वो शिक्षकों की के लिए पद सृजित हो गए हैं, निश्चित रूप से। तो ये जानना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। तो इसी कार्य के साथ आप सब की ओर से एक बार फिर से सुमू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और आप सबका भी धन्यवाद।